सुप्रभात छात्रों, आज मैं आपको शब्द और उसके भेद बता रही हूँ दो भागों में। ये शब्द और उसके भेद का पहला भाग है। शब्द क्या है? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के कई भेद होते हैं, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। पहला है स्रोत। स्रोत का मतलब है उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत के आधार पर शब्द चार प्रकार के हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और आगत, या विदेशी भी बोलते हैं, जिनको विदेशज भी बोलते हैं। तत्सम क्या है? तत्सम शब्द तत् जमा सम से बना है। तत् का अर्थ है उसके, यानी संस्कृत के सम का अर्थ है समान। संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, प्रकाश, ध्वनि, दंत, मुख, दुग्ध, हस्त आदि। तद्भव, संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे आग, दही, रात आदि। देशज, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनकी उत्पत्ति का ठीक से पता नहीं चलता, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। देश जमा ज, यानी देश में उत्पन्न, ज मने उत्पन्न, जैसे गाड़ी, पगड़ी, खिड़की, फुंगनी, ठेठ आदि। चौथा है आगत। आगत या विदेशी या विदेशज, हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से भी अनेक शब्द आए हैं, जैसे अखबार, आदमी आदि। इन विदेशी शब्द कहते हैं। आशा आपको ये शब्द और उसके भेद का पहला भाग अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू।